बताए हर हर महादेव। एंड आई एम हियर इन तुंगनाथ, इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट शिवन टेंपल, इट्स रियली लव। नाम था एट किंगस्टन, उसने कहा था कि जो चोपता नहीं आया उसका जीवन व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भाई। क्योंकि चढ़ाई काफी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए सांस फूल रहे हैं, बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक 5 से 6 फुट चौड़ा ट्रैक आया, वो शिव भगवान के देखने के लिए अच्छा है, और भगवान के नाम बोल के गया तो कुछ भी कस्टम। आई फील वेरी हैप्पी, दिल्ली से। हाँ। अभी तीसरी बार मेरा यात्रा चालू है यहाँ पे। हाँ। बहुत इस महीने भादो के महीने। हाँ जी। पूरे गाँव का दूध इकट्ठा हो गए और तुंगनाथ भगवान को चढ़ाया जाए। मंदिर के इतिहास की, तो ये मंदिर का इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना इतिहास है। इसको पांड पर है, मुश्किल डगर है, जाना उधर है, जय भोले बाबा, बोल भोले नाथ की जय। एक रास्ता चला जाता है चोपता की तरफ श्री तुंगनाथ मंदिर के लिए, और दूसरा रास्ता ये जो है ये चला जाता है केदारनाथ गौरीकुंड के लिए। तो चलते हैं दोस्तों। तो क्या रास्ता है यहाँ पर? यहाँ पर एक्चुअली खड़ी चढ़ाई है एकदम से, और यहाँ एसी गाड़ी का बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि चढ़ाई खड़ी है। तो चोपता यहाँ से 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर हम बाय रोड जाएंगे, उसके बाद 3 किलोमीटर रह जाता है हमारा श्री तुंगनाथ मंदिर, जो कि हमने बाय वॉक करना है ट्रैकिंग करके। तो आप रास्ता देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। ஆமா இது ரொம்ப ஹை ஆட்டிடியூட், வேற பக்கம் போவோம், லேண்ட்ஸ்லைட் ஆயிருக்கு பாருங்க, ஸ்பாட் ஆன் ஸ்பாட் போயிடுவோம். 2 घंटे लगे हैं हमें चोपता पहुंचने में। रास्ता बड़ा टाइट था, और जितना टाइट था ना उतना मजेदार भी था। फिर बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले हमें, और झरने की बात करें तो काफी सारे झरने थे। और अब आप देख सकते हैं, सुबह की 6 बजे है और सितंबर का महीना है, और हम पहुंच गए हैं चोपता श्री तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं ये तुंगनाथ मंदिर का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हमने चढ़ाई करनी है श्री तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। और हम फिलहाल खड़े हैं अभी चोपता में। चोपता को आप केंद्र कह सकते हैं पंच केदार का। पंच केदार में श्री तुंगनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये 5 शिव मंदिर है, इनका समूह है पंच केदार। श्री तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है, और चोपता को हम केंद्र कह सकते हैं पंच केदार का, क्योंकि अगर इसकी बाई तरफ हम जाते हैं तो केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और इसकी दाई तरफ हम जाते हैं तो हम दर्शन कर सकते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के और रुद्रनाथ मंदिर के, और इसके ठीक ऊपर जाते हैं तो हम दर्शन कर सकते हैं श्री तुंगनाथ मंदिर के। तो ये एक तरह से केंद्र है। तो चोपता के बारे में, ब्रिटिश शासन काल के एक गवर्नर ने, जिसका नाम था एट किंगस्टन, उसने कहा था कि जो चोपता नहीं आया उसका जीवन व्यर्थ है। तो आप समझ सकते हैं, श्री तुंगनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, डमरू वाले की जय, हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देख लो भाई, चढ़ाई आप देख सकते हैं, शुरुआती चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो बताया जाता है कि 3 से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। और भाई हाइट की बात करें तो ये 3680 मीटर की हाइट है इसकी। वर्ल्ड के जितने भी शिव मंदिर हैं, शिव मंदिर में सबसे ऊंचा मंदिर यही है श्री तुंगनाथ जी का मंदिर। जय भोले की, हर हर महादेव। यू टेक घोड़ा या अम्मा जी के लिए घोड़ा किया जाए भाई, घोड़े का यहाँ घोड़े की भी अवेलेबिलिटी है। घोड़ा यहाँ 1 साइड 900 रुपए है, और आने जाने का लोगे तो 1300 रुपए चार्ज लगेगा आपको। तो देख लो भाई, अम्मा जी को बिठा दिया है घोड़े पे, और ये घोड़े से यात्रा करेंगे। 6:15 हमने चढ़ाई शुरू की थी, और अभी रास्ते में ही है, देखते हैं और कितना समय लगेगा हमें 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने में भाई। क्योंकि चढ़ाई काफी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए सांस फूल रहे हैं, बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट चढ़ाई में बड़ा मजा आ रहा है, नो प्रॉब्लम। और भी रास्ते में ना
जगह जगह में ये बेंच टाइप में बनाए हुए हैं बैठने के लिए, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर बारिश आ गई तो भाई छुपने की जगह नहीं है, आपको भीगना ही पड़ेगा अगर आप रेनकोट या अम्ब्रेला लेके नहीं आते तो। तो भाई पूरा जंगल है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक 5 से 6 फुट चौड़ा ट्रैक है, एकदम से नीट एंड क्लीन है और चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि साफ़ सुथरा है और किसी तरह की कोई भीड़ कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। और काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है ये, और यहाँ से आपके पहाड़ों का दृश्य भी दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ घूमने आना है तो समय की बात करें तो अप्रैल मई और जून का जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहेगा आपको यहाँ घूमने के लिए, गर्मियों का जो टाइम है, उसके बाद बरसात हो जाती है फिर बर्फ़ पड़ जाती है, यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। इसलिए अप्रैल मई और जून 3 महीने आपको यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। नवंबर में यहाँ पट बंद हो जाते हैं और यहाँ जो बाबा की डोली है वो चली जाती है आपकी मुक्कू मठ। तो जो सर्दियों का समय रहता है तो बाबा की जो पूजा होती है मुक्कू मठ में होती है। पहाड़ों के बीच बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनमोहक दृश्य है और एकदम से मजा आ गया भाई। तो ये कुछ यात्री हैं हमारे साथ, श्रद्धालु, और थक गए हैं यात्रा में तो थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। तो आप अच्छा भगवत वो शिव वो नमस्य वो शिव भगवान के देखने के लिए अच्छा है, और भगवान के नाम बोल के गया तो कुछ भी कष्टम नहीं है, बस बाबा का नाम लेके चढ़ते चले जाओ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। और आपको कैसा लग रहा है, हाउ यू फील? आई फील वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। यू कम फर्स्ट टाइम? या आई सी फर्स्ट टाइम। यू आर फ्रॉम चेन्नई? चेन्नई। तो ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो इनको अच्छा लग रहा है, बड़ा अभी रास्ते में ही है। ठीक है, टू सी शिवा। तो रास्ता कैसा है, आपको ट्रैकिंग कैसी लगी है? अच्छा रास्ता है, मच बेटर। या एंड यू? भैया मैं आ रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, अभी तीसरी बार मेरा यात्रा चालू हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। तो भाई देख सकते हैं ये शॉर्टकट वे है और शॉर्टकट वे से भी लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये अपना नॉर्मल रास्ता है, ये घूम के उधर से आ रहा है और ये इधर से शॉर्टकट है। तो जो जिसकी हृदय गति सामान्य है, स्वस्थ शरीर है, वो यहाँ से भी आ सकता है। जैसे हमारे बंधु भाई ये आ रहे हैं, हर हर। तो आप कहाँ से आए हो? मैं देवताल सारी से। अच्छा जी। तो हमारे यहाँ इस महीने भादो के महीने हाँ जी पूरे गांव का दूध इकट्ठा हो गए और तुंगनाथ भगवान को चढ़ाया जाता है। अच्छा जी। तो हमें खाली पेट सवेरे नहा धो के नंगे पैर मंदिर जाना पड़ता है। तो देख लो भाई ये भी श्रद्धालु हैं, इनका गांव यहीं आप देख सकते हो उधर, क्या नाम बताया गाँव? सारी गाँव है उधर, बहुत दूर है वहाँ से। ये बता रहे कि इस महीने सारे गांव वाले अपना दूध इकट्ठा करके और भोले बाबा पर चढ़ाते हैं। तो ये भूखे पेट और नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? जगदीश सिंह रावत। जगदीश सिंह रावत इनका नाम है। तो शुभ यात्रा आपकी, मंगलमय हो। तो लगभग 1 घंटा हो गया भाई हमें चढ़ते हुए। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है, कोई 3 बताता है, कोई 3.5 बताता है, कोई 4 किलोमीटर बताता है। तो भाई काफ़ी देर हो गई है चढ़ते हुए, अभी तक आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो 4 ही किलोमीटर होना चाहिए। 6:15 बजे के करीब हमने चालू की थी चढ़ाई, तो उस समय हल्की हल्की ठंड थी इसलिए ये हुड्डी पहन ली थी भाई। लेकिन अब ये हुड्डी भाई बहुत गर्मी दे रही है, बहुत गर्म हो चुकी है और ये उतारने का मन कर रहा है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, यात्रा के दौरान आप अपना रेनकोट जरूर लेकर आए, क्योंकि रास्ते में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि हम बारिश होने के बाद कहीं छुप सकें। बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास की, तो ये मंदिर का इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना इतिहास है। इसको पांडवों ने बनाया था भोले बाबा को खुश करने के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों की जीत हुई थी उसमें, लेकिन उनको जीत का पश्चाताप था क्योंकि उन्होंने ये जीत अपने सगे संबंधियों को मारकर, अपने गुरुओं को मारकर, अपने पूर्वजों को मारकर हासिल की थी। तो एक तरह से उनको काल दोष मृत्यु दोष लग गया था, तो उसको दूर करने के लिए उसने महर्षि ऋषि व्यास के पास गए थे। व्यास जी ने उनको कहा था कि अगर आपको इससे मुक्ति पानी है
तो अब भोले बाबा को प्रसन्न करें। तो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए वो उत्तर काशी गए, वहां भी भोलेनाथ नहीं मिले वहां पर। फिर वो गए केदारनाथ, किसी ने बताया कि केदारनाथ है भोले बाबा, तो वो केदारनाथ में गए। वहां पर भोलेनाथ उनसे रुष्ट थे क्योंकि काफी नरसंहार किया हुआ था उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत में। तो पांडव वहां पहुंच गए लेकिन भोले बाबा ने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बैल पांच भागों में खंडित हो गया। जो भी पांच भाग जो उनके बॉडी के पार्ट थे जहां भी गिरे वहीं पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तुंगनाथ में तुंग शब्द का अर्थ होता है बुझाएं यानी हाथ, तो यहां पर भोले बाबा की पूजा में बैल की बुझाओं के रूप में की जाती है। लंबा सफर है मुश्किल डगर है जाना उधर है, जय भोले बाबा। बोल भोलेनाथ की जय, बोल शंभुनाथ की जय। तो लगभग भाई 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए और यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर और रह गया है। वो देखिए आप यहाँ से वो सामने दिखाई दे रहा है फर्स्ट व्यू यहाँ से तुंगनाथ मंदिर जी का, श्री तुंगनाथ मंदिर का जो फर्स्ट व्यू है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। 1 किलोमीटर का सफर हमारा रह चुका है और लगभग 2 घंटे हमें चलते हो गए हैं। तो रास्ता बड़ा कठिन है और बड़ा मजा आ रहा है रास्ते में। और व्यू की बात करें तो आप मतलब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, इतने अच्छे व्यू है, क्या सुंदर नजारे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। और यहाँ से भी 0.5 किलोमीटर रह गया है मंदिर, वो सामने मंदिर का दृश्य है। और भाई चढ़ाई को तो आप देख ही रहे हैं कितनी जबरदस्त चढ़ाई है, ये देख लो भाई खड़ी चढ़ाई एकदम शुरू से लेकर आखिर तक, आप कह सकते हो 3 से लेकर 4 किलोमीटर की चढ़ाई है और ये बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई। कहीं भी ऐसे नहीं है कि भाई नॉर्मल रास्ता आ जाए, शुरू से लेकर आखिर तक की खड़ी चढ़ाई है ये देख लो भाई। तो हाँ लेकिन इंटरेस्टिंग है, पूरा रास्ता इंटरेस्टिंग है, आप जगह जगह पर दृश्य को देखते हुए आ सकते हो। बहुत ही सुंदर नजारे हैं पहाड़ों के, कितनी हरियाली है और बहुत टॉप पर है, हम देख सकते हो हिमालय की चोटियां हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई, और उसके बीच में बना हुआ है तुंगनाथ मंदिर जो कि एक अलौकिक दृश्य है, अलौकिक दृश्य जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर दृश्य है ये। तो भाई ये मंदिर है गणेश जी का, सबसे पहले गणेश जी का मंदिर पड़ेगा, यहाँ आप मत्था टेक के फिर अपना अगला सफर तय कर सकते हैं। ये देख लो पहले ही पहुंच गए, हमारे से घोड़े भी आए थे, अम्मा जी कोई दिक्कत तो नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो भाई ये सीढ़ियों का रास्ता रह गया है थोड़ा सा और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम मंदिर में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर और ये देखिए आप तुंगनाथ मंदिर का नजारा, अलौकिक दृश्य है ये, बड़ा ही अलौकिक दृश्य है, चारों तरफ हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ तुंगनाथ का मंदिर, बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य है। हाँ डोंगर डोंगर जय भोले बाबा जय भोलेनाथ। तो भाई मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, वीडियो बनाना मना है, तो मंदिर के बाहर से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए आप बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों कहा जाता है कि आपने कोई भी मनोकामना अगर भोलेनाथ से मांगनी है तो सबसे पहले आप नंदी के कानों में वो मनोकामना कहेंगे, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी भोलेनाथ तक पहुंचेगी और जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी।
तो ये है पार्वती माँ का मंदिर, आप देख सकते हैं। तो भाई उसके बाद आप देख सकते हैं भूतनाथ जी का मंदिर, ये भूतनाथ जी का मंदिर है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भूतनाथ जी का मंदिर है, जय हो भूतनाथ बाबा की जय हो। और भाई मंदिर के दर्शनों के बाद आप नजारा ले सकते हो ब्यूटीफुल पैलेस, हिमालय की चोटियों से ढका हुआ ये सुंदर मंदिर, कितना सुंदर नजारा है, अद्भुत नजारा, अलौकिक नजारा। और उधर थोड़ी सी दूर यानी कि 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है चंद्रशिला। चंद्रशिला, चंद्रशिला के बारे में मैं आपको बता दूं, वहाँ हमारे प्रभु श्री राम ने तपस्या की थी, क्योंकि उन्होंने जब रावण का वध किया तो उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, ब्रह्म हत्या दोष, क्योंकि रावण बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे तो उनकी हत्या का दोष लगा था। उनकी हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये जगह चुनी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है चंद्रशिला, जो कि प्रभु श्री राम को बहुत पसंद है, यहाँ उन्होंने काफ़ी समय अपना बिताया था, तो ये जगह इसलिए भी काफ़ी फेमस है क्योंकि श्री राम ने यहाँ तपस्या की थी, आप देख सकते हैं। और ये सुंदर अलौकिक नज़ारा, इसके बारे में क्या कहने, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस समय फिलहाल हम खड़े हैं यूँ सोच लो पहाड़ की चोटियों पर, पहाड़ की चोटियाँ भी हमें नीचे दिखाई दे रही है, और भी ऊपर हम जा सकते हैं, और भी ऊपर आप चढ़ सकते हो, देख सकते हैं, बहुत अच्छा अलौकिक दृश्य है और एकदम से मनमोहक। जय भोलेनाथ। और चंद्रशिला के बारे में यह बात भी कही जाती है कि चंद्रमा को क्षय रोग लग गया था और उन्होंने भोलेनाथ का तप किया था यहाँ आके। हुआ ये था कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उनमें से एक कन्या थी रोहिणी। रोहिणी को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम करने के कारण प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें क्षय रोग लग गया था। तो दोस्तों मंदिर के अंदर के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाना फोटो खींचना मना है, इसलिए अंदर का दृश्य मैं आपको बता देता हूं कि अंदर भोले बाबा की पूजा बैल की भुजाओं के रूप में की जाती है, वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि बैल की भुजा का रूप है जिससे भोले बाबा की पूजा की जाती है, वहां पर जल चढ़ाया जाता है। किसी ने भोले बाबा पे अगर जल चढ़ाना है तो वहाँ लोटे रखे हुए हैं काफी सारे, और यहाँ से आप जल ले सकते हैं, यहाँ से जल लेकर आप चढ़ा सकते हैं। टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस पैलेस टेम्पल तुंगनाथ। आई एम फ्रॉम चेन्नई एंड आई एम हियर इन तुंगनाथ, इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल। इट्स रियली लवली टू सी द नेचर, द नेचर गिव्स मोर थिंग, you will know about yourself more when you realize when you come to the Himalayas. So I learned more things from here when I was trekking. The trekking was very smooth, and I think you have to pack your things light, make sure you feel good, have a willpower so that you can climb quickly. And I really love this place. Thank you so much for everyone who supported me, you can Kuldeep and my Anna Sarananda, who used to help me a lot and take me a lot places. Jai Shri Om Namah Shivaya. Avan Arulale Avan Thal Valangi Shivanadri Shivan. आपने जयकारा लगाना है मेरे पीछे पीछे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंभूनाथ की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की, शंभूनाथ की। मंदिर पहुंचने में हमें कुल मिलाकर 2.5 घंटे लगे हैं, जो कि नॉर्मल वे में आप चले हुए थे 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको, हमें 2.5 घंटे लगे हैं मंदिर पहुंचने में।
तो भाई हमारे लिए सबसे बढ़िया बात ये रही है कि मौसम ने हमारा साथ दिया है, बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो भाई। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है, लेकिन वहाँ पर अभी जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, मौसम भी खराब हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।